जनपद मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर कोविड-19 अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए कुछ वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। ये वीडियो जिला अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा बनाकर वायरल किए गए हैं। इस वीडियो में ये कोरोना मरीज वार्ड में झेल रही परेशानियों को अपने मोबाइल से कैद करके जिला प्रशासन से सुधार की गुहार लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाले मरीजों का यहाँ तक कहना है कि इस भीषण गर्मी में मौसम में उन्हें बिना पंखों के रहना पड़ रहा है और उन्हें पानी भी सीधे नल की टोटी का पीना पड़ रहा है। इस तरह के व्यवहार से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन वीडियो में दिल्ली रोड स्थित कोविड हॉस्पिटल TMU की भी पोल खोलने का प्रयास पीड़ितों ने किया है। इनके अनुसार वहाँ पर उनके एक बुजुर्ग कोरोना मरीज को रखा गया है, लेकिन उन्हें कोई समुचित इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण वो मरने के कगार पर पहुँच गए हैं। सर, मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सिविल लाइन हॉस्पिटल मुरादाबाद का पेशेंट हूँ, यहाँ एडमिट हूँ। मैं इस हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, जिसका एक वानगी भर उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पेशेंट हैं वो कितना दूषित पानी पी रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये RO लगा हुआ है, RO का आउटलेट बंद कर दिया गया है, जो अनसर्वेबल है ये RO। अब हमारे साथ किया क्या है कि हम दूषित पानी रनिंग वाटर का जो पाइप है सीधा वाटर कूलर में शिफ्ट कर दिया गया है और हम इसका दूषित पानी रनिंग वाटर पी रहे हैं। हम लोगों को दूषित पानी पिलाया जा रहा है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ स्नैप भेजे थे। यहाँ की अव्यवस्था ये है कि बिजली की व्यवस्था ठीक से नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये दिखाएं, यहाँ के पंखे रात को 2 बजे से बंद पड़े हैं, पूरी रात सो नहीं पाए हैं और अभी दिन में भी मिल नहीं है। जो यहाँ मौजूद ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं उनको हम बता रहे हैं, डॉक्टर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या नहीं कर रहे हैं हमें पता नहीं है। अब हम मीडिया के सहारे मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि मीडिया हमारी परेशानियों को सुने और इसको प्रसारित करे। बाथरूम महिलाओं वाला बंदा है, चल रही है। श्रीमान, मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उसी वीडियो में ऐड है। मैं ये महिला वार्ड के बीच में खड़ा हूँ, यहाँ मेरी पत्नी और मेरे परिवार जैसे सदस्य महिलाएं बच्चे सभी एडमिट हैं। ये सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है सिविल लाइन मुरादाबाद हॉस्पिटल के। यहाँ की अव्यवस्था अगेन फिर मैं महिला पार्टी दिखाना चाहूँगा। मैं आप सभी को अपने कैमरामैन को ले जाना चाहूँगा। ये महिलाओं का बाथरूम है जिसका शीशा टूटा हुआ है, जिसके चलते महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। जब हमारे दरवाजे ठीक से बंद जाएंगे, महिलाओं के बाथरूम के टॉयलेट के दरवाजे बंद नहीं होंगे, तो अपने आप को कैसे सेफ समझेंगी। उसी का एक शीशा जाता है, वहाँ ये शीशा टूटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगेन फिर यहाँ के टॉयलेट की हालत दिखाऊंगा, टॉयलेट देखिए कितना गंदा है, यहाँ कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई क्लीनिंग मटेरियल नहीं है यहाँ पे, ना कोई साफ करने वाला आता है, बहुत बुरा हाल है। ये टॉयलेट के गेट तक बंद नहीं किए जाते, आप लोग बताना। मैं अभी यहाँ की महिलाओं से पूछना चाहूँगा कि यहाँ क्या बाथरूम में क्या असुविधा हो रही है। बाथरूम में इतनी गंदगी है कि हम लोग जाने से भी कतराते हैं। दूसरी चीज, उसका गेट बंद नहीं होता, हमें हाथ से पकड़ना पड़ता है। ये अब सुविधाएं हमें झेलनी पड़ रही है, कुछ भी सुविधा नहीं है। दूध वगैरह की क्या व्यवस्था है छोटे बच्चों के लिए, दूध के लिए, दूध की बताओ अपनी। बेटा दूध, तुम्हें दूध मिल रहा है क्या? तुम सुबह को दूध तुम्हें मिल रहा है? नहीं मिल रहा तुम्हें दूध, तो तुम कैसे रह रहे हो बेटा? दूध मिल रहा है तुम्हें? बिल्कुल भी दूध नहीं मिला, कितने दिन से? 4 दिन से। दूध पीने को मन करता है?
अपनी मम्मा को बताते हो दूध लाने के लिए? हाँ। तो क्या बोलती है, दूध नहीं है करके बोलती है क्या? ओके, इस बच्चे से पूछा जाए।